आज हम आपको बताएंगे एसिडिटी से बचने के कुछ घरेलू उपाय। दोस्तों, एसिडिटी की समस्या इन दिनों आम हो गई है। पेट में जब सामान्य से अधिक मात्रा में एसिड निकलता है तो उसे एसिडिटी कहते हैं, और जब यह स्त्राव तेज हो जाता है तो हमें सीने में जलन का एहसास होता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिन्हें आप अपनाकर एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर एक, टमाटर। टमाटर में कैल्शियम, फास्फोरस व विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर से जीवाणुओं को बाहर निकालता है। टमाटर स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन इससे शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ती है। टमाटर के नियमित सेवन से एसिडिटी की शिकायत नहीं होती। नंबर दो, अनानास। एसिडिटी होने पर एंजाइम से भरे अनानास के रस का सेवन करें। खाने के बाद अगर आपको पेट अधिक भरा व भारी महसूस हो रहा है तो आधा गिलास अनानास का ताजा रस पीने से सारी बेचैनी और एसिडिटी खत्म हो जाती है। नंबर तीन, अजवाइन। अजवाइन का उपयोग भारतीय मसाले के रूप में कई सदियों से होता आ रहा है, लेकिन अजवाइन सिर्फ एक मसाला ही नहीं है, यह कई तरह के औषधीय गुणों से भरपूर है। यह एसिडिटी में भी बहुत फायदेमंद होती है। एसिडिटी होने पर थोड़ी सी अजवाइन और जीरे को साथ भून लें, फिर इसे पानी में उबालकर छान लें। इस छने हुए पानी में चीनी मिलाकर पिएं, एसिडिटी से राहत मिलेगी। नंबर चार, पपीता। पपीता अत्यंत गुणकारी फलों में से एक है। यह पेट से संबंधित बीमारियों जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी व कफ के लिए अमृत की तरह काम करता है। इससे निकलने वाला रस अपने वजन से 100 गुना प्रोटीन बहुत जल्दी पचा देता है। इसमें अमाशय तथा आंत संबंधी विकारों में भी बहुत लाभ मिलता है। नंबर पाँच, शतावरी। शतावरी की जड़ एसिडिटी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अगर इसकी जड़ों का चूर्ण गाय के दूध में उबालकर एसिडिटी से ग्रस्त रोगी को दिया जाए तो तेजी से आराम मिलता है। शतावरी की जड़ों का चूर्ण शहद के साथ चाटने से भी तेजी से फायदा होता है। नंबर छह, काली मिर्च और नींबू। काली मिर्च और नींबू का एसिडिटी में प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। एसिडिटी में एक गिलास गुनगुने पानी में चुटकी भर काली मिर्च का चूर्ण तथा आधा नींबू निचोड़कर नियमित रूप से सुबह पीना चाहिए। ऐसा करने से पेट साफ रहता है और एसिडिटी में फायदा होता है। नंबर सात, मेथी। मेथी से पेट और आंत की सभी समस्याएं दूर होती है। एसिडिटी की समस्या से बचने के लिए रोज सुबह खाली पेट कुछ दाने मेथी के खाने से फायदा होता है, या फिर मेथी और मट्ठे का घोल बनाकर पिएं। ऐसा करने से एसिडिटी समेत पेट के सभी रोग दूर हो जाएंगे। नंबर आठ, अमरूद। अमरूद का सेवन कब्ज और एसिडिटी में बहुत फायदेमंद होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में मौजूद विटामिन, फाइबर व मिनरल स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। अमरूद में पाया जाने वाला फाइबर कब्ज को दूर करता है। नंबर नौ, जामुन। जामुन में ग्लूकोज और फ्रैक्टोज और इसके बीज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। मौसम के अनुरूप इसका सेवन औषधि के रूप में करना चाहिए। इसका सेवन पाचन शक्ति को बढ़ाता है और पेट के रोगों में आराम देता है। खाली पेट जामुन खाने से गैस व एसिडिटी की समस्या समाप्त हो जाती है। नंबर 10, दूध। अगर आपको ज्यादा मसालेदार खाना खाने से एसिडिटी हो रही है तो आप ठंडे दूध का सेवन करें। कैल्शियम से भरपूर एक गिलास दूध एसिडिटी की समस्या को दूर करने में सहायक होता है। साथ ही कैल्शियम युक्त एंटी एसिड टैबलेट और कैल्शियम एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू टिप्स एसिडिटी को दूर करने के। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आप किसी खास विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं या आपके पास कोई सुझाव है तो वह भी हमसे जरूर शेयर करें। हम नई नई जानकारी आप तक पहुँचाते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।